नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। मंगल का अर्थ कुशल, शुभ अर्थात कल्याण से होता है एवं इस दिन श्री राम भक्त पवन पुत्र श्री अंजनी बलि हनुमान जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, इसलिए मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। पूजा विधि, मंगलवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर तत्पश्चात नित्य क्रिया से निपटकर स्नान कर स्वच्छ होना चाहिए एवं लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए तथा हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए। श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जोत जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शाम के समय बेसन के लड्डुओं या फिर खीर का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। स्वयं नमक सहित भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत करने से लाभ होता है। अब हम जानेंगे कैसे पैसे की तंगी एवं घर की दरिद्रता कैसे करें दूर। प्रत्येक मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें व उसके 11 पत्ते तोड़ लें। अब इन पत्तों को स्वच्छ जल से धो लें, फिर सभी पर कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, तत्पश्चात इन 11 पत्तों की एक माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर अर्पित करें। कुछ समय बाद सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।